गज बज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ परम सम्मान योग गुरुद्वारा चरण कमल साहिब जी विखे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह हजूर दे चरण कमलां विच नतमस्तक हुंदे होए इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी पर रहे हो। शाम तो लैके इस वेले तक सतगुरां दे अमृत बचनां दा रस पिन्ना कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। अति सन्मान योग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, अति सन्मान योग भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले अज काफी अरसे तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने अपने चरण कमलां विखे इकट्ठियां बिठा के फिर दोबारा आप संगत नूं उन्हां तों कीर्तन सरवण कराया। मेरा ख्याल इस संसार दा एक सुभाग है जदों विछड़े कोई मिलदे ने ते कई वारी कई बंदियां दे अंदर ओ मिलाप पौंदा नहीं ते अज कोई संगत च ऐसा शरीर नहीं, ऐसा मन नहीं, ऐसी अख नहीं जेड़ी भाई साहब होना नूं इकट्ठियां बैठ के प्रेम विच ओ सेजल ना हुई होवे। ये सतगुरु दी असीस है। सतगुरु बख्शिश करन संगतां इसे तरह ही इन्हां तों हजूर दी अमृत गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करदियां रहन। मैं भाई मनिंदर सिंह जी का बहुत धन्यवाद कर देना पहले ही जिन्होंने आने वाले सालों च सानू पूर्ण सहयोग दे के, क्योंकि ये समागम किसी प्रभुता लई नहीं, किसी वडियाई लई नहीं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब बैठे ने सब की इको इच्छा है जिन्हां राहां तो चोजी प्रीतम दे पवित्र पुत्रां दे उन्हां दे सिखां दे सतगुरु दे अपने खून दे तुपके रिस के धरती ते डिगे ने उस धरती नूं बस नतमस्तक होया जाए। आओ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणां दा ध्यान टिकाइए ते नाम भी गुरुद्वारा चरण कमल साहिब है। हर साल मैं अर्ज करना सी ओही इतिहास ओही घटनावां विचारने खां, पर सतगुरु हर साल विच
अपनी हाजरी विच बख्श देंदे ने, अपनी हजूरी विच बख्श देंदे ने। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी ने अज कीर्तन की समाप्ति जा अज दे कीर्तन का जो सब्जेक्ट रखिया वो दर्शन प्यास, दर्शना की तांग ते मिलाप की एक तड़प बयान की गई ना शब्दां च। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च याद रखो इत्थे दिमागी फिलासफी बिल्कुल नहीं कोटी गई, इत्थे वेदांत वर्गे खुशक विषय नूं भी थां नहीं दित्ती गई। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च अकल सियाणप दियां गिनतियां मिनतियां नूं तां थां है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च नरोल एक समर्पित ते दूजा प्रेमा भगती नूं थां दित्ती गई। अपने आप नूं समर्पण कर देना ते प्रेमा भगती चेते रखो, खुशक भगती नहीं, खट भगती नहीं, प्रेमा भगती नूं थां दित्ती गई। उस प्रेमा भगती विच जिज्ञासु जदों प्यारे परमात्मा नूं गुरु नूं पुकारदा है ते उहदे वलवले उपजदे ने कि कृपा कर, है तां तू अदृष्ट सारियां थावां ते, केड़ी थां है जिथे नहीं, पर मेरिया अखां तेरी दीदार विच, तेरे दर्शन च, तेरे दीदार दी तलब च ने, मेरे अंदर नूं तृप्ति तां मिलेगी जे इन्हां दो दीदियां दे सामने अपनी झलक दे। क्योंकि सतगुरु ने बाणी च यह शब्द भी कह रहे हैं कि वेद कतेब संसार हबाहूं बाहरा, ते अगली तोके नानक का पातशाह दिस है जहरा। जहरा का मतलब प्रतख। मैं फिर अर्ज करांगा, आवांगे अस अज दे विषय च। अज भी तीन सिंह अज इस धरती ते जिथे आपां बैठे हां, प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, सन्मान योग भाई मान सिंह, वह तुरे ने चमकौर की गड़ी तो नाल, पर अंदर एक तलब है कि पुत्रां दा दानी, कौम दा सिरजनहारा, केड़ी थां ते उहदे दर्शनां दी झलक मिले। इस जंगल दी एक एक वणी नूं, एक एक टाणी नूं फरोलदे पए ने गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार दी तल विचों से। मैं बेनती करां, हजूर ने ते शब्द वरते कि नानक का पातशाह दिस है जहरा। एक दिस है ते जहरा शब्द क्यों वरते है? जे कला दिसे वरदे सी कह देना सी ए अंदर दे नेत्रां दी गल। सतगुरु ने कहा नहीं, ए जहरा दा मतलब प्रतख। यही कारण कि गुरु अर्जुन देव जी ने भगत धन्ना साहब जी दे दर्शना दा जिक्र करदिआं उत्थे शब्द एक कला मिले नहीं वरतिया, उत्थे शब्द नाल प्रतख वरतिया। प्रतख दा अर्थ कि इन्हां नेत्रां नाल दिसण वाला। ताई असी वो बचन पढ़ने जिवें शब्द कि नानक का पातशाह दिसै जहरा। ते गुरु साहब ने कहा, कहन लगे, ए बिद सुन कै जाट रो उठ भगती लागा, मिले प्रतख अनुभव नहीं कला, प्रतख मिले प्रतख गुसाइया धना वडपाका। बेनती करांगा, अखां रब ने दीदार वास्ते दित्तियां, गुरु दे दर्शना दी प्यास। में थोड़ी जी, क्योंकि जो प्रकरण भाई साहब ने शुरू किया उस कीर्तन का होर रस माण सकी। देखो, मनुखी शरीर विच अनेकां तरह की भुख ते प्यास है, पर वो हर प्यास जेड़ी है वो सानू आत्मक बल नहीं दे सकती। तुसी देखोगे अखां नू देखण दी प्यास है, ते हर बंदे नू रब देखण दी प्यास नहीं। प्यास है जरूर, सिर्फ संसार दे चित्र मूर्तां दृष्टमान नू देखण दी प्यास है। कन्ना नू सुन दी एक तांग है, पर हर खन नू गुरु कीर्तन सुन दी तांग नहीं। तांग तां है, पर ओदी तांग सिर्फ संसार दियां बातां, संसार दा गीत संगीत। सानू स्पर्श करन दी एक तांग है, क्योंकि सब तो ज्यादा सकिन स्पर्शता विचों रस मान दिए। पर प्यारियो,
इस हथा किसे टावे टावे तांग है कि मैं अपने हथा गुरु के चरण कमला स्पर्श कर सकता। बेनती है प्यास है पर जिन्हों रब दे गुरु दे मिलन दी प्यास पैदा हो जाए प्यारे ओ दी कीमत ही कोई नहीं। दास ने एक बार अर्ज की तीसी चार तरह दे जग्यासु गुरु अर्जुन साहब दे कोल हुंदे ने। ओदे विच कहिंदे ने कोई पदार्थ मंगण आउंदा है, कोई दुख दी निवृत्ति लई आउंदा है, कोई अपनी शोभा वास्ते आउंदा है, कोई जन्म मरण दे दुख तो बचन लई आउंदा है। सतगुरु चारां नूं कहिंदे ने जाओ संगत दी सेवा करो, खौमे नूं छड्डो, तुहाडा सब कुछ कट्टिया जाएगा। ते पंजवां हुंदा है कहिंदा नहीं मालक पदार्थ नहीं, जन्म मरण दा दुख नहीं, दुखां दी निवृत्ति नहीं, मैं तां दर्शनां दी तांग लैके आया। सतगुरु कहिंदे ने आ मैं पहला तेरी परिक्रमा कर ला जिहड़ा रब दे दर्शनां दी तांग लैके आया। तुसीं रोज इह पदा पढ़ दे कि चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लख, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम रिदै सदगा, जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए खौमे छोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी भरै। अगली तुक चारे तुका साध जना की, अगली तुकी जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। कैसी रमज रखी के जिदे अंदर दर्शना दी प्यास के सत संगत विच तुम ही जा पर मैं तेरे तो कुर्बान जावा, तू हर वासना नु त्याग के केवल परमात्मा दे दर्शना ली तुरिया। इस तो अगली बेनती कर, देखो प्यास एक ऐसी है कि जिथे हर चीज बंदा दुनिया दी दाते ला दे सिर्फ प्यास ते। किसे इंसान नु मन लो प्यास लगी हो ते उस प्यासे नु पानी दी थां तुसी हीरियां दा सोने दा सुचे मोतियां दा हार परो के कह तू पानी ना मंग, तेनू अरबां रुपयां दा आ सोना देने आ, वो कहेगा मैं भट्ट च पाणा सोना, मैनू तां जीण वास्ते पानी चाहीदा। उहने सोना दाते ला दित्ता। जे उहनू कहीए भी तेनू आ पकवान दे देने आ, वो कहेगा मैं पकवान की करने ने, मैनू पानी दिओ। जे सच एवे प्यासे बंदे नू कह दिओ कि तेनू आ पदवी दे देने आ तू पानी ना मंग, वो कहिंदा मैनू ना पदवी चाहीदी ना सोना चाहीदा ना पदार्थ चाहीदे ने, कुछ नहीं चाहीदा, मैनू सिर्फ पानी चाहीदा। जे शरीर विच पानी दी प्यास लगे ते बंदा दुनिया दी हर चीज दा ते ला देंदा, ते जिदे अंदर गुरु नू मिलन दी प्यास पैदा हो जाए सच एवे संसार दे दोनों जहान भी दा ते ला देंदा, सिर्फ केवल परमात्मा। ऐसे नु गुरुदेव ने बाणी च कहा, ओहा प्रेम पिरी एक प्यास है, ओहा प्रेम पिरी कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं, ये प्यास है। कहने जे सोना मोती हीरे सामने रख के कहो तू गुरु नु छड़ दे, तू नाम नु छड़ दे, वो कहना मैं हर दिस दे कोई कीमती पदार्थ नु ठुड्डा मार देंगा पर मैं अपने सतगुरु दे दर्शना दी तलब नहीं त्यागा। ओहा प्रेम प्री कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं, राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही, सिर्फ एक तेरी तांग। गुरु नानक साहब उन्होंने दर्श प्यास दी गल कीती। मैं फिर अर्ज करा प्यास वाले हिरदे बड़े खुश किस्मत ने, प्यास वाला जरूर कुछ ना कुछ लभेगा। छोटे हुंदे कहानी पढ़ांदे सन, इक कां नूं त्रे लगदा है उह वी पाणी उत्ते लिया सकदा है, पर जिन्नू रब नूं गुरु नूं मिलन दी तांग पैदा हो जाए गुरु नूं प्रतक कर जांदा, उह प्रगट कर जांदा है। हजूर सच्चे पातशाह दा इक दो बचन कह के, क्योंकि प्यास इह जगह ते दर्शन प्यास ते बिरह दी कांग है। इत्थे बैराग दी इक नदी छुट्टी सी, जदों सिंह गुरुदेव दे चरण देखदे ओह मैं अगे अर्ज करदा ते कदी ओह महसूस करीए कहां जंड थल्ले बैठ एक कल्ला रुख नहीं, पता नहीं किन्ने कु जंड सन बैठे सी गल कर रहे सन, भाई साहब बैठे ने केड़ा जी, ओह मैं कहा देखो किन्ने जंड होणगे, ओह सारे खत्म हो गए। इन्हां कहा तां ही खलोता रहा जे थले गुरु गोबिंद सिंह बैठ गए। देखो लंघदियां गल इक मिल जांदी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज
इथे बिरहा एक दिन भाई साहब ने ते शब्द भी पढ़िया, मैं वह भी थोड़ा जिहा अर्थ कर जाना अज के बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तू सुल्तान। ये अर्थ थोड़े जे टीका तो हर के मैं किते सांझ भी पाई के बिरहा सुल्तान है ते नाल क्या फरीदा जित तन बिर हो ना उपजै सो तन जान मशान। बाबा फरीद साहब का शलोक है। बाबा फरीद साहब अपनी रचना च गल गौर दी कबर दी करदे ने पर इस शलोक विचों हिंदुइज्म दी शमशान घाट दी गल क्यों करदे, समझण वाली गल। एक पासे वो कहिंदे ने फरीदा गौर निमाणी सड करे ने घरिया घर आओ कबर दी सलामी मत बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे ए तनखोसी खाक निमाणी गौर करे। उन्हें नहीं कह जी बिरहा नहीं वह कबर है उत्थे क्या शमशान शमशान भूमि जा उन्हां दे बचन ने गोरा से निमाणिया बैसन रूहां मल उन्होंने शब्द शमशान वरत्या बिरहा ली शब्द सुल्तान वरत्या क्योंकि बिरहा एक अंदर का जज्बा है ये जज्बे चो निकलता है ना आ काम क्रोध लो मोहंकार ये सारे जज्बे ने चेते रखियो ये सुल्तान नहीं ये सारे गुलाम ने। सुल्तान सिर्फ बिरहा है काम सुल्तान नहीं क्रोध का जज्बा सुल्तान नहीं मोह ते लोभ अहंकार का जज्बा सुल्तान सुल्तान नहीं जिथे उपजदा है ओदू बाद ए निराशता ही पल्ले पा के जांदा है पर जिथे बिरहा उपज जांदा है ओ निराशता दी थां ते वसल ते मिलाप पैदा कर जांदा है। फिर सुनियो बाकी जज्बे विछोड़दे ने ए जज्बा मिलांदा है। गुरु साहब ने कहा बिरहा भी एक जज्बा फिर नूं समझियो कामी पुरश भी मैं खिमा कर दियो ओदा तन भी पूरी वासना ग्रस लैंदी है बिरहा वाले दा सिर तो पैरां तक तन प्यारे दी याद विच विलुप उठदा है पर दोनां च बड़ा फर्क है। मोह वालियां दे अखां चों भी पानी निकलदा है पर बिरहा वालियां दे अखां चों भी पानी निकलदा है दोनां च बड़ा फर्क है। वह सुल्तान नहीं यह सुल्तान ने बिरखा। फिर अगली बेनती मशान क्यों कहा क्योंकि कबर विच मुसलमान अग नहीं बालता। असी देखने चलो दीवे लोकी बाली जाते हैं तो बखरी की गल है ना मनमत हूँ कबर च बंदा दफना दिता है उत्ते मिट्टी पा दिती है पर तुसी शमशान भूमि अपने शहर की देखो पिंड की देखो जदों भी शमशान भूमि च जाओगे उत्थे अग मचेगी उहदी धरती शांत नहीं होंदी। साढ़े शहर च रोज जमीन एक अंगीठा समेटिया जाता है दूजे ते अग फिर बल पैंदी है दूजे दिन फिर अग बलदी है। बाबा साहब कहिंदे ने जिवें शमशान की भूमि कदी भी ठंडी नहीं पैंदी तपदी रहिंदी है जिस खिरदे च बिरहा नहीं वह शमशान की तरह रोज तपदा ही रहिंदा है। इहदे अर्थ एक बनगे बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जेतन बिरहो ना उपजै सो तन जान मशान। अगली बेनती दर्शन प्यास वाला उन्हूं जदों भी समाज देखदा है बेनती करा अकल वाले जेड़े ने उन्हां दी नजर च दर्शन प्यास वाले कमले हुंदे ने। याद रखे जिन्ना भी दुनिया का तुसी धार्मिक साहित पढ़ोगे किसी भी धर्म नाल संबंधित हर धर्म के जिन्ने सियाने पिछोकड़ पैदा होए ने उन्होंने महापुरुखां नूं शदाई ते कमले कहा क्योंकि उन्होंने समझ कोई नहीं कि अंदर दे जज्बात अंदर दा बिरहा अंदर दी दर्शना दी तलब की। गुरु साहब ने कहा जिदे अंदर दर्शन दी तांग पैदा हो जाए मिल दी तलब पैदा हो जाए प्यास पैदा हो जाए फिर सच होवे ओ तां इस तरह सवेरे सवेरे तुर पैंदा। ये भी गुरु नानक साहब दे बोल जिवें एक मंगण वाला मंगता सूरज चढ़न तो पहला लोकां दे बूहे अगे खलो के मंग लैंदा मंगता है। गुरु नानक साहब ने किन्ना उच्चा शब्द वरत्या असी तां किसे नूं मिल के राजी इहनूं खुशक पुने च ना लैणा। पहली गल गुरु साहब ने कहा बाणी च फरमाया कि उस वक्त कोर कलजुग वरतेगा जदों धर्म दे नां थले लोक पखंडी बन जाणगे ते दूजा शब्द वरत्या जदों कर्म धर्म कमाण वालियां दी घर घर विच निंदिया होवे राते की निंदा करे ऐसा कल मैं ठीठा कहिंदे रत्या होया नूं लोक निंदणगे ए अज नहीं शुरू तो निंदे रहे। गुरु नानक साहब नूं तुसी पढ़दे उहनां दी बाणी
प्यारे असि कह दें गुरु नानक साहब ने आ सिद्धांत दिता, सिद्धांत अकलां चो निकलते होंगे ने, मैनू बख्श दिया जी। गुरु नानक साहब ने ते प्रेमा भगती का दरिया बहा दिता, उन्होंने बारिश की प्रेम की, इना प्रेम कि देखो इनी तब्दीली लिया दिती उन्होंने प्रेम का सदका सी। जिस कड़ाए विच खोपड़ियां तलींदियां सन उस कड़ाए विच लंगर बन लग पए, जिस सरां विच रात नूं लोक वड्डे जांदे सन सवेरे उस सरां विचों कीर्तन की आवाज आउण लग पई। प्रेम तो वड्डी दुनिया च कोई शक्ति नहीं जिहड़ी किसे नूं चेंज कर सकदे। बंदे की गल छड्डो, इत्थे तां खून खार जानवर नूं प्रेम करो बंदे की गुलामी कर लग पई। आ रुख नूं प्रेम नाल रोज आवाज मारो, ये तुहाडे नाल मुहब्बत करन लग पएगा। उठते पंछी नूं रोज प्रेम नाल पुकारो। आ जिहड़े कह रहे आसां की किवें होगी जी, सप ने छां कीती, असीं जहर नाल भरे आ, जहर वालियां कोलों जहर नूं कित्थों ठंड मिलेगी। जिहड़ा अमृत नाल भरिया चेते रखियो, उत्थे जहर भी शांत हो जाएगा। कौन कहिंदा ऐसा की गलत है? हजूर सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब उन्होंने कहा कि एक बैराग दी कहां, पर की समाज ने साडे ने जाणिया, होर कोई लिखदा ते शायद जी ना समझदे। गुरु नानक साहिब नूं बाणी च यह मेरा विशा नहीं अज का, याद रखो सब तो पहली गल जे गुरु घरों कुछ लेना है तो मत्था टेकदिया गुरु ग्रंथ साहिब नूं रब जान के नमस्कार करो। जे गुरु नानक नूं निरंकार मनोगे तां कुछ पल्ले पैना। जे मेरी बेनती कोई जज्बात सब कुछ बाणी च, गुरु नानक नूं निरंकार मनन तो बिना तेरे अंदर दी बंद खलासी कोई नहीं होनी। फिर मैं शब्द वरता, महाराज जी ने खुद कहा, हालांकि गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, पट साहबान, बाबा सत्ता बलवंड, उन्हें बड़ी सिफत की डिटेल च नहीं, पर तख पार ब्रह्म का रूप क्या, पर गुरु नानक साहब तुहानू उस वक्त दे सियाणिया ने की कहा, आम जनता ने नहीं, सियाणिया ने कहा ना, ब्राह्मण सियाणा, काजी सियाणा, मौलवी सियाणा, जोगी सियाणा। महाराज कहन लगे इन्होंने मैनू की कहना है, मैनू शदाई कमला ते पूतना कहिंदे। मैं रब दा दीवाना हाँ, मैं प्यास लैके तुरिया। महाराज जी ने मारू राग च कहा, कोई आख है पूतना को कहे बेताला, कोई आख है आदमी नानक बेचारा, कोई भूतना कहिंदा कोई बेताल कहिंदा, मैनू बख्श दिओ। वाचक ज्ञानी ही महापुरख नूं अपमान जनक शब्दावली नाल बुलांदा है, आम जनता तां शरदा नाल उहदे सामने झुक जांदी है क्योंकि अखर उहनूं समझ नहीं। महाराज जी ने कहा, कोई आख है भूतना को कहे बेताला, कोई आख है आदमी नानक विचारा। महाराज तुसी कौन? कहन लगे मैं तां दर्शना दा दीवाना हां, भया दीवाना शाहकार नानक बहु राना। हुण अगले महाराज दीवाने किवें जींदे ने? कहिंदे ने दीवानियां नूं लोक लाज नहीं रहिंदी, दीवानियां नूं परिवार की परवाह नहीं रहिंदी। सच एवे दीवाने मस्ताने उहनां नूं लोक नहीं समझ सकदे। महाराज फिर की कहन लगे, मैं तां अपने करतार अगे इको अरदास कीती है, मैं अपने हिरदे दा भांडा लैके तुरिया ते जिथे मैनू रब नू प्रेम करन वाला मिल जांदा है, मैं ओदा बुआ भी खड़का के कहना ओ रब नू पाण वालिया मेरे खप्पर विच दर्शना दी प्यास पा दे। सिख दा हिरदा नहीं इन्ना विशाल है जी। महाराज जी ने कहा, भौ तेरा पांग भया दीवाना शाक नानक बौराना, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। महाराज कह रहे ने, भौ तेरा पांग खलरी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत। महाराज कहिंदे मैं तां कमला हो गया, भौ तेरा भांग खलदी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए। तेरे दर्शनां दी तांग ली तुरिया मैं, प्यारियो इस धरती ते आ मिले मेरे सतगुरां दे चरणां च। आओ थोड़ा जिहा अपनी सुरत नूं समय दे जिन्ने पर्दे नूं पाड़ दिओ, समय दे पर्दे पाड़न तो बिना गुरु की झलक नहीं मिलनी, क्योंकि समा साल सदियां महीने दे पर्दे पैदा कर दे, पर प्रेम वाला हिरदा हर पर्दे नूं चीर के समय नूं एक पासे रख के गुरु के चरण चुमन लग पैंदा है। इसनूं फिर सुनियो, इहनूं 300 साल तो ज्यादा समा पहला घटना वापरी ना समझो, हर समय के पर्दे नूं तोड़ के
इनू अज वर्तमान भी जियो कि अज भी मेरा गुरु गोबिंद सिंह इत्थे बैठा होया मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कल असी वाचिया सी चमकौर दी गढ़ी च अपने वड्डे साहिबजादे अपने लाला नू शहीद कराने तो बाद अपने प्यारियां नू शहीद कराने तो बाद जदो जंग शाम नू थमदी है ते महाराज गढ़ी विच उतर दे ने सच्चे पातशाह उसे तरह सिंघां च बैठे ने अंज सिंह किन्ने कु ने तीन तो जेडे इत्थे हजूर नू मिले ने भाई संगत सिंह ते खास करके भाई साहब भाई संत सिंह जी कुछ होर मुक्तियां चो सिंह ने वो समा कैसा होवेगा कि लाशां बाहर पईआं ने लालां दे शरीर बाहर तुसीं देखो मां बाप हां सी किन्ना कु जिगरा है मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह जी का पुत्रां दे शरीर बाहर ने प्यारियां दे शरीर बाहर ने आप अंदर बैठ के सिंघां नूं कह रहे ने खालसा जी अज जाना खोल के लड़िया है खालसा अज खालसा खास दरबार विच प्रवान होया कह लगे सवेरे सूरज निकलेगा गोबिंद भी सवेरे इस रण तत्ते विच जूझेगा असी शहादत दा जाम पियांगे बस ये शब्द कहन दी देर सी सिंघां ने गुरदेव दे चरणां च अरदास कीती पावां के साडे काफी ज्यादा इतिहासिक स्रोत जेडे ग्रंथ ने स्रोत वाले ग्रंथ दे विच गुरमता शब्द पंजां दी बेनती शब्द भी ते इत्थे इत्थों तक शब्द वरत्या कि पंथ नूं गुरियाई दा जिक्र भी किया गया पर चेते रखियो वो आम बंदे नहीं सन वो सन जिन्हां दे सीने ते रोम रोम विच गुरु गोबिंद सिंह दा निवास सी हजूर सच्चे पातशाह नूं क्या महाराज आप चमकौर दी गढ़ी छड्ड दिओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे नहीं खालसे ने बेनतियां कीतियां अरदासियां कीतियां कोई एक मीटिंगा आ थोड़ा समझे ने सुखैन माहौल दियां कि ना कोई बैराग आया होगा पंजा ने कोई आप सिस्टम इनू असी इस घटना नू प्रबंध की ढांचे ते सिस्टम बना के लागू करने हैं एक घटना सिस्टम च लागू नहीं होगी प्यारियो ये तो मरजीवड़िया मुरीदा ने गुरु गोबिंद सिंह दे चरण पकड़ महाराज तुसी कृपा करो जे सवेरे शहादत दा जाम पी गए साढ़े वर्गे करोड़ां भी पैदा हो गए गुरु गोबिंद सिंह कितों भी नहीं असी लिया सकते ते दाता तुसी बच गए साढ़े वर्गा करोड़ां तुसी खिन विच पैदा कर जाओ महाराज तुसी कृपा करो हजूर सच्चे पातशाह जी ने स्वीकार किया कहन लगे चमकौर दी गढ़ी छड़ांगा पर चुप करके नहीं खामोश होके नहीं मैं ताड़ी मार के जावांगा फैसला होया श्रीमान भाई साहिब भाई संगत सिंह जी दे सीस ते कलगी सजाई गई देखो जो साड़ी श्रोमणी कमेटी तवारीख नूं मानवीक है असी उस चीज नूं लैके तुरना जे हसियास कह रहे कलगी सजाई ते मैं हर साल बेनती करना असी कहने भाई संगत सिंह जी का चेहरा मिलता सी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ना मुख मिलता सी नहीं प्यारियो चेहरे तो इत्थे भरावां दे भी मिलदे ने चेहरे तो सके भैण भरा भी आपस मिलदे ने पर जदों समा आ बने मिलदे चेहरे ते खून दे रिश्ते भी दगा दे जांदे ने उहदा कल्ला चेहरा नहीं सी मिलिया उह तां खुद गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां विच मिलिया होया बाबा संगत सिंह भाई संगत सिंह ते मैं कहना किड्डी वड्डी बख्शिश होवेगी जिहदे सीस ते अपनी कलगी ला दित्ती उंज इतिहास कहिंदा भाई साहिब दो दिन सिर्फ छोटे सन गुरु कलगीधर महाराज जी हजूर सच्चे पातशाह जी ने सीस ते कलगी सजाई चेहरा गुरदेव नाल मिलदा कह दिता तुसी नगारा वजांदे रहो सवेरे समा आएगा जूझ के शहीद होना तीन सिख भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई मान सिंह जी हजूर ने रात नूं तारा दिखाया कि इस तारे दी सेध ते इस पासे नूं तुसी तुरियो आपां चारे जरूर मिलांगे ते नाल शब्द चारे वक् वक् पासियां तों निकलांगे पहली हजूर ने ताड़ी मारी उह स्थान वेख हजूर ने ताड़ी मार के शब्द वरत्या पीरे खिंद मेरी वत फिर उच्ची आवाज विच क्या पीरे खिंद मेरी वत
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਾਣੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਟ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਨ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖਰੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਪਰ ਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰੇ ਜਲਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕੋਗੇ ਛੱਡੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਗੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੁੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਬਿਠਾ ਚੱਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫੂ ਗਾਮੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਵਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ ਕੰਡੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਏ ਨੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਸ਼ ਤਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਲਸ਼ ਤਰਾਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਚਮੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਲਸ਼ ਤਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
कि जदों तीर चलांदे ने वार वार खिच पैणी है अंगूठे नाल ते वार वार तीर दा पिछला पासा लगन नाल मास जेड़ा उदा नुकसान ना होवे खड्डी दा नुकसान ना होवे उह सतगुरु ने आनंदपुर साहिब तो पै रहा है ते माछीवाड़े दी धरती तक अंगूठे उत्ते गुलशतराण गुरदेव दे कैम सी उहदे विच कीमती हीरियां दीआं कणियां लाईआं होईआं सन उह चमकदीआं सन धुप दे विच धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सीने नाल श्री साहिब ला के मुख करके टिंड दा सराणा वखी परने हो के गुरदेव विश्राम चले गए। इधर प्यारे भाई दया सिंह प्यारे भाई धर्म सिंह प्यारे गुरमुख प्यारे भाई मान सिंह वो तिने इकट्ठे हो गए इस धरती से। इस बाग विच भाई गुलाबे का नौकर से जिवें आपां खूह दे भी सतगुरु की कृपा नाल दीदार करने उन्हें हजूर नूं देखिया पर वो नजदीक नहीं गया। हजूर सच्चे पातशाह जी इत्थे विश्राम कर रहे ने रात दा वक्त अमृत वेले सिंह भी आ मिले ने वो लभदे पए ने गुरदेव सच्चे पातशाह जी ते नौकर मिलदा है दिन चढ़ा तो बाद वो नौकर मिलदा वो शब्द कहिंदा है कि तुहाडे चेहरे वर्गा एक होर इत्थे विश्राम कर रहा है। कहिंदे ने किहड़े पासे वो दसदा है ते तिन्ने सिंह गुरदेव दे चरणा च जा पहुंचदे ने। महाराज उस तरह जी टिंद दा सराणा वखी परने पर सतगुरु दे चरणा दीआं तलियां च छाले ने कंडे चुभे ने खून सुक्का होया पिनियां दे नाल खै सतगुरु दा चोला खून नाल भिज्जै हजूर दा कशहरा खून नाल भिज्जै। कहिंदे तिन्ना ने देखिया तिन्ना दीआं अखां च मानो नीर दी इक नदी वह तुरी। मेरी बेनती इहनूं भावना नाल सुनियो कदी ओ वक्त उन्हां देखिया जदों सच्ची सरकार दे उपर हाथी भी चौर करदा है लखां रुपईआं दे गुरदेव ते शमियाने लगदे ने इन्ने सिख आ के चरणां झुकदे ने मखमली सेजां ते गुरदेव आराम करदे ने अज देखदे ने वाह विधाता एक कैसी खेड तुसी आप रची सब कुछ छड के महल्लां विच रहण वाले सोहणियां आसनां ते विश्राम करन वाले अज सत्थर नूं धरती नूं अपना आसन बना के सचे वे दुनिया की हर चीज के मोह तो उपराम होके विश्राम कर रहे। पहला चित कीता आवाज मारीए रिहा नहीं जांदा गुरु गोबिंद सिंह जी ने आवाज मारीए सच्चे पातशाह प्यारे भाई दया सिंह कहिंदे ने नहीं रुक जाओ करन दिओ आराम मेरे साहिब बड़े दिनां दे चले ने ते मैं कहना जिवें बंदा कर्ज ला के सुरखरू हो जांदा है ना इत्थे सतगुरु पुत्तां नूं शहीद करा के सुरखरू हो के पए। फिर मन चाहे आवाज नहीं मारनी बेदबी होवेगी चरण पकड़िए ते कहन लगे चरणा ते छाले ने किते चीस ना उठे। भाई मान सिंह तो रिहा नहीं गया रो पिया उच्ची सर महाराज सच्चे पातशाह जी दे उन्हें चरण पकड़ लै जी जेड़ियां थावां ते छाले नहीं सन हत्थां नाल मसलन लगा जदों सतगुरु ने अपने शरीर नूं छूंदा हथ देखिया इक्को दम गुरदेव फुरती नाल उठे हजूर ने अपने श्री साहब नूं हथ पाया सामने देखिया ते तिन्ने सिंह सीस चुका के खलोते सन। मैं तां शब्द वरत्या भाई साहब तुसीं इत्थे मिले हो इत्थे भाई वीर सिंह ने कलगी धर चमत्कार च सबजैक्ट लिखिया पढ़िओ लिखण लगे विछड़े आ मिले शब्द लिखिया है विछड़े आ मिले सतगुरु नूं देख के वह बोल नहीं सके बैराग है। सच्चे पातशाह जी ने साडा इतिहास कहिंदा है तिन्नां नूं घुट के सीने नाल लाया वारी वारी फतेह तां बुलाई प्यारे भाई दया सिंह नूं सीने नाल लाया भाई धर्म सिंह जी नूं सीने नाल लाया भाई मान सिंह जी नूं सीने नाल लाया सतगुरां दे चरणां च बैठ के प्यारियो इत्थे फिर मेरे गुरदेव सच्चे पातशाह ने ख्याल पातशाही दसवीं जो तुसी पढ़दे हो खिमा करदे हो कईआं नूं तां इह नहीं पता ख्याल दे अर्थ की ने भाई सब जानदे ने उह कहिंदे ने इह बाणी च ख्याल कित्थों आ गया जी ख्याल दा संबंध गायकी नाल है ख्याल दा मतलब थॉट फुरना नहीं ख्याल दा संबंध
राग नाल कह ख्याल दा संबंध गाउण वाले नाल कह इनु ख्याल रूप जदो कोई गाए ख्याल पातशाही दसवीं ते इथे बड़े गुरमुख प्यारे एक होए ने विद्वान ज्ञानी ईश्वर सिंह जी नारा उन्हां दी बड़ी पुरानी किताब है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सफरनामा पढ़न वाली उहदे चो कहिंदा है इधर गुरदेव आ गए ने उधर चमकौर च सिंह शहीद हो गए ने कहिंदे ने भाई संगत सिंह भाई संत सिंह भाई होर गुरसिख कहिंदे ने मानो शरीर दे भांडे भन्नण तो बाद इहनूं भावना नाल समझियो उह पवित्र आत्मा गुरु की छूह जदों पहुंचदियां ने सच खंड नूं रूहां तोरदे ने ते गुरदेव आवाज दे के कहिंदे ने अज मैं सत्थरां ते बैठा ते मेरे म्यारे प्यारे मित्र नूं मुरीद दा जाके हाल जरूर दस्यो हुण ओह हाल च किते भी शिकवा नहीं किते भी कोई गिला नहीं उस ख्याल विच ते उस हाल च ख्याल विच गुरदेव ने हाल गाया कहन लगे कोई शिकवा नहीं कोई गिला नहीं कहने सर्दी बड़ी है हजूर कहन लगे सर्दी विच लोग रजाइयां च तलाइयां च गर्म बिस्तरियां च आराम करते ने अज मेरे कोल बिस्तरा कोई नहीं सत्थर ते लम्मा पिया उत्ते तन ढक्कन नूं बस्तर कोई नहीं पर तेरी याद होवे ते सत्थरां ते नंगे तन विच भी सकून मिलदा तेरी याद भुल जाए ते गर्म रजाइयां भी बीमारी बन जांदियां सुराही ते सूलख सराही तां सूल बन गई है क्योंकि लोग तनाट बंदे सुलाही सुराही ते खंजर वैगुरु प्याला वरते जे तेरी याद भुल जाए तू याद ना होवे सच एवे सुराहियां सूल बन जांदियां ने प्याले खंजर बन जांदे ने मेरे मित्रा मेरे यारा किड्डा प्यारा शब्द वरत्या कि ख्याल पातशाही दसवीं मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना इहदे च कहने च कोई दुख नहीं दस्या मैं दुखी हाँ कोई ते एक गल याद रखियो मित्र शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च बहुत थाई परमात्मा लई वरत्या मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण तेरे तो बिना मेरे मालक रजाइयां दा ओढ़ना यह रोग है बीमारी है तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना जे उच्चे महलां च कोई रहे तेरी याद भुल जाए तो भी सप्पां दे ढेर च समूह च रहना नाग निवासां दे रहना सूल सुराही खंजर प्याला बेंग कसाइयां दा सहना पर महाराज कहन लगे यारड़े दा सानू सत्थर चंगा ओ मेरे यार जे तू गलीचे दिते तां भी तेरा पुत दिते तां भी तेरा ते अज मेरे मालक तू सत्थरां ते मेरा आसन बना दिता तेरे सत्थर भी चंगे लगे यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना खेड़ियां दा मतलब खुशियां ओ खेड़ियां दा खुशियां जिथे रब बोलता पे कहिंदे ने ओ खेड़े पट हो जाण मेरे यारा तेरा सत्थर भी चंगा जफरनामे च इहदे नाल मिलदा जुलदा एक शेर है गुरु गोबिंद सिंह जी ओ सब नू चेते वे हजूर कहिंदे ने ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श अज कुछ भी नहीं ना साजो समान ना फौजा ना कोई मेरे को सिंघासन ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शंदा ऐश अर्श मेरे रब ने सत्थर ते बैठ के भी मैनू अंदर दा सुख दिता होया मैं एक बार इत्थे अर्ज कीती सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह उन्होंने तो अपने सन्मान योग पिता जी अपने वड्डियां वडेरियां दे शब्दां दे अर्थ कीते ने जंड थले बह के मैं थेरज कीती सी उन्होंने अपने पूर्वज वड्डे धन गुरु अर्जुन देव उन्हां दे पदे दे अर्थ कीते जंड थले बह के इहदा मतलब इह ना समझना कथा इहदा मतलब ना जीवन ने कि प्रभ की आग्या आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहि वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी ए अर्थ कीते सुख दुख जै परसै नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह नूं रब दी मूर्त नहीं कहोगे तो होर की बोलोगे सुख दुख जै परसै नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे प्यारे नूं अपने वल्लों शुकराने वजो शब्द उचारण किया दिन चढ़ाया कहन लगे प्यास लगी है
पानी पीना है, त्रे लगी है, आखू तुहाडे नजदीक है, महाराज प्यास लगी है, कहिंदे ने उठाओ। उठाया महाराज जी ने। साडा इतिहास कहिंदा है कि सतगुरु के चरणा च सोजिश सी, इन्ना कु खून वह तुरिया सी, छाले सन कि महाराज जी नूं भाई मान सिंह ने अपने मोढ़ियां उत्ते चुकिया सी। ते देखो वह सिख की भावना, हजूर नूं मोढ़ियां ते चुक के लिया के सतगुरु नूं जल छकाया। इधर नौकर ने जाके दसिया कि साडे बाग विच अज चार शरीर आए ने, उन्हां विचों तिन्नां ने इक नूं मत्था टेकिया है, कोल पिया ठंड पैंदी है, पर जिन्हों मत्था टेक दे तन खून नल भिजा होया। इहदा मतलब कि जो गुरदेव रात लंघे ने टाकरा भी होया होगा, खून नल भिजे हुए गुरदेव इत्थे फिर पंजाबा ते गुलाबा हुंदे ने। प्यारियो सर्दी दे दिन ने, भुख लगी है, उन्होंने सतगुरां लई दुध विच शवारे पा के आंदे ने। इत्थे हजूर ने शवारियां वाला दुध छकिया, सारा दिन टिके ने, फिर वह अपने घर लै जांदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज घर पहुंचते ने, प्रसाद पानी छकाया जाता है, इशनान कर लग्या कशहरा नहीं उतरता, क्योंकि घटना आम तौर पर सुनाई नहीं जाती पर यह हकीकत वापरी है। पानी गर्म किया गया कि भे के सतगुरु के कशहरे का पहुंचा उतारिया जाए। भाई गुलाबा थोड़ा जा संकोच करता है, सतगुरु कोल बुला के कहिंदे ने पिता ते पुत्र दी कोई शर्म नहीं हुंदी, तू उतार। यह शब्द कवि संतोख सिंह ने भी लिखे। उन्हें गर्म पानी लैके पानी नाल पे पे के सतगुरां जी दे कशहरे नूं पहुंचे नूं वाह कीता। महाराज जी ने इशनान किया, इसते वस्त्र पहने, प्रसाद गुरुदेव ने छकिया। इथों दी गनी खां ते नबी खां ने सानू सब नूं पता है, घोड़ियां दे व्यापारी ने पठान पुत्र, ते धन गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा च आनंदपुर साहिब जांदे ने। मैं एक स्रोत कल पढ़ रहा सां, वो कहिंदे ने वो दो शब्द गुरुदेव दे मुख तो बड़े प्यार नाल सुणदे सन, एक तां यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश गुण करतार। धन गुरु गोबिंद सिंह जी जो गुण गुणाउंदे सन, उह कहिंदे ने वह महाराज जी दे कोल बह के सानू आ शब्द सुनाओ, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बै ऐब परबत गार। फारसी च ते दूजा शब्द सुनते होंगे सन, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, वो ते सारे शब्द ने करीमा रखीमा अल्लाह तू गनी। कहने एक दिन हजूर दे चरणा च बैठे ने, महाराज ये शब्द सतगुरां ने सुनाया, ते जदो तुरन लगे कह लगे गनी खां केड़े भुलेखे च पै गए लोग, देवरा मसीत सोई पूजा हुई नवाज हुई, मन सब एक पो अनेको प्रभाव, चरण पकड़ लै दे मेरे दाता तेरे जैसा कोई नहीं। ये हजूर दे चरणा च गए। एक घटना मैं पिछले साल शायद सुनाई सी, वो नवी सी, वो सिख इतिहासकारां ने उहदा जिक्र नहीं किया। उन्हां विचों गनी खां नबी खां दे परिवार चों जलंधर अजीत दे दफ्तर च एक सज्जन आया सी, मैं तां वेरवा देन लगा, मतां कोई टीवी सुन के कहे एक नवी गल कित्थों कर दित्ती। ओ निरंजन सिंह साथी दी किताब है जी चरण चलो मारो गोबिंद, काफी वड्डी, उहदे चों कहिंदा मैनूं मिले ने, उहदा जिक्र भी कीता है। कहिंदे असीं पुछिया, उहनां सानूं हुक्मनामे दी ओ सारी कापी भी दित्ती जो मैं पढ़ांगा भी गुरदेव ने जो हुक्मनामा लिखिया। अंदर असीं पुछिया भी गुरदेव ने उहनां दी बेटी नूं पोती शब्द वरत्या सी, वह कहिंदे ने उन्हें कहा नहीं, असल च वह पोती सी गनी खां नबी खां दी, जो शब्द उत्थे कहे। वह कहिंदे ने असल च सिख इतिहासकारां ने उहदा नाम नहीं लिखिया, उहदा नाम सी रजिया। वह बच्ची जदों माछीवाड़े तो दोनों भरा आनंदपुर साहब गए, उस निक्की जी बालड़ी ने कहा मैं भी आनंदपुर साहब जाना है, परिवार नाल तैयार हो गया, छोटी जी सी। सतगुरां दे चरणां च गए गनी खां नबी खां, दोनों ने सतगुरु नूं सजदा किया। यह बालड़ी घरी पिछों गुरुदेव के सिंघासन को तरी जाए, उन्हें एक दो बार रोकया, फिर यह गुरुदेव के सिंघासन को गई, कहिंदे तीजी बार वह कहिंदे ने सतगुरु ने अपनी गोद च बिठा के प्यार दिता, शब्द वरत्या यह तो पोती है साडी, उन्हें ना शब्द वरत्या रजिया नूं। कहिंदे उदू बाद रजिया नाम सब नूं भुल गया, सिर्फ इको शब्द रह गया गुरु गोबिंद सिंह जी की पोती।
मैं बेनती करा इथे पंजाबा ते गुलाबा सतगुरु नूं रखिया इथे हजूर दे चरणा च माता गुरदेई आउंदी है जिहड़ी सतगुरां दे चरणा च वस्त्र भेट करदी भाई निहाले दी मां कुछ स्रोतां ने उहनूं पंजाबे दी भैण करके भी लिखिया है कुछ स्रोतां ने खैर मैं बेनती करा उह सतगुरु दे चरणा च वस्त्र भेट कर दीए जिन्हों रंगा के सतगुरु जी उच्च दा पीर बन लग्या पैर ते समय समय की गल हुंदी है प्यारियो इह सिदक भी रब निभाए ते तां अपने आप सिदक निभ जाण ते सारे मरजीवड़े ना बन इसे करके साडी अरदास दे लफ्ज ने कि सिखां नूं विसाह दान ते भरोसा दान सिदक लई भी अरदास मंगो नहीं प्यारियो सिदक अपनी अकल नाल नहीं निभदे हुण इह पता है कि गुरदेव इत्थे ने फौज चार चवेरे पहुंचदी पई है करांगे की तन श्री गुरु गोबिंद सिंह दे सन्मुख उन्हां ने कुछ मिठा ते माया रख के वदायगी दे दित्ती महाराज जी सतगुरु मुस्कुरा पए समय की गल है ना उस दाते दे चरणां दे धूड़ लई लोक सहकदे ने महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा डरो ना असीं चले जांगे गनी खां ते नबी खां ये दोनों गुरुदेव नूं अपने ग्रह विखे ले आए इत्थे हजूर सच्चे पातशाह जी आके आराम भी करदे ने इत्थे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जदों उन्हां नूं लंगर छकांदे ने उस सज्जन ने कहा उन्हां दे अंश विचों सी कहिंदा सी दोनों भरा हाथ जोड़ के सतगुरु दे सामने खलोते रहिंदे सी महाराज जी नूं जदों प्रसाद पानी छकाना हजूर सच्चे पातशाह ने माछीवाड़े की धरती नूं पाक लाए ते प्यारियो जिथे चरणा विचों एक एक खून का तुबका भी डिगा वह धरती चरण कमल बन गई मैं थोड़ा जा बाणी चो बेनती करके संपन्नता वल आना इस चरण कमला का मुकाबला स्वर्ग भी नहीं कर सकता याद रखियो जेड़ा ऐस चरम करण कमल च आके बह गया उन्हूं नरक कदी गाल नहीं सकता यही कारण के भगत कबीर जैसे महापुरख ने अपने मुरशद वैगुरु प्रभु सतगुरु दे चरण कमलां दी गल करदिया हिंदुस्तान दे मुद्दतां तो बने हुए स्वर्ग ते नरक दे सिद्धांत नूं चकना चूर करके कहा जिन्हों गुरु दे चरण कमल मिल जाण नूं स्वर्ग ते नरक दी परवाह ही कोई कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर कह प्रसाद मैं कहने इत्थे ढुकदा चरण कमल की मौज मैं रहूं अंत अरात चरण कमल अगला बचन पूछा भी तुसी इन्ने समय का बनिया फलसफा सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर कह प्रसाद ये किवें कह दिता चरण कमल इन्ने उच्चे सानू भी दसो कहन लगे वह दसन वाले नहीं वह मानन वाले ने उहदी कथा नहीं हो सकती अगले श्लोक की कथा हो ही नहीं सकती अखरी अर्थ करी जाओ चरण कमल की मौज में रहूं अंत अर आद कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान उन्हूं माणिया जा सकदा है प्यारे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे चरण कमल ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने चरण कमलां दी बड़ी उपमा कीती कवि संतोख सिंह ने तां लिखिया कमल दा फुल उहदे नाल तुलना दित्ती ना चरण कमल उह कहिंदे नहीं ठीक है चरण कमल शब्द कह पर कहिंदे नहीं सतगुरु दे चरण कमल तो भी बड़े उच्चे ने इहनूं खंडन नहीं समझना कहने कमल जेड़ा है उहदे विच भवरा हुंदा है उह समेट के कई वारी मार दिंदा है ते जदों गुरु दे चरण कमलां च कोई मुरदा भी पहुंच जांदा उहनूं जीवन मिल जांदा याद रखियो ये चरण कमल उह ने जिथे मुरदियां नूं जिंदगी मिलदी तां ही सतगुरु ने बाणी च कहा कि गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिनमे तारा सत बाणी च कहा भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरबड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हिरदे धन गुरु गोबिंद सिंह बस रहे हिरदे गुर चरण प्यारे महाराज कहिंदे चरण कमल तो आश्रम बन जांदे ने सिख दा चरण कमल गुर आश्रम दिया टिकाणा दे दिता महाराज इस धरती तो उच्च दे पीर बन के चलदे ने कृपाण भेट स्थान रस्ते विच काजी दा मिलना पर मैं वह हुक्मनामा जो हर साल तुहाडे नाल सांझा करना यह माछीवाड़े दे भाग ने कि गुरदेव हुक्मनामा हुक्मनामे लिखते ने माछीवाड़े एक ही नहीं
होर भी को ने गुरुदेव का सतगुरु गनी खां नबी खां मोडे ते पलंग चुके तुरदे ने जदों पलंग रखदे ने ते सच्चे पातशाह महाराज दोनों नूं कहिंदे ने असी मसनत ते गद्दियां ते बैठन वाले बिठाए बनाए वह बह ही गए मसंदा ने विदायगी दिती ने इत्थों महाराज ने कहा जिन्हां नूं पलंग दिते बहन लई सच्ची मुची बह गए मेरे बच्चे तुसी पलंग ते बैठे नहीं तुसी पलंग चुकिया नाल शब्द वरते तुसी मेरे लीक पुत्र हो अलीक पुत्र हो ध्यान नाल सुनो लिख के दे दिता लीक वहां के दे दिती दोनों भरा जदों गुरुदेव ने कहा तुसी वापस जाओ नमस्कार करते ने पर बिरह च चित नहीं करता गुरु गोबिंद सिंह ते चरणा तो मुड़न थोड़ा जा मुड़ फिर वापस आ गए सतगुरु कलम दवात मंगांदे ने कहिंदे आ साडा हुक्म लै जाओ असी तुहाडे नाल लिख के दिता वो लिख के शब्द दिते एक ओंकार सतगुरु जीओ जो हुक्मनामे की इबारत है थोड़ा जा पाठ भेद है कईयां कीता पर नहीं जो तत् वस्तु है एक ओंकार सतगुरु जीओ वाहगुरु जी की आज्ञा है गनी खां नबी खां ए जो हैं से मेरे फरजंदा से बैज है ये माछीवाड़े नूं सत्कार मिलिया फरजंदा आपां समझने पुत्तर गनी खां नबी खां ए जो हैं सो मेरे फरजंदा से मेरे पुत्रां तो भी मध मैनूं चंगे लगदे मेरे फरजंदा से बैज हैं ए मेरे काम आए हैं अगले शब्द वरते जो सिख इनकी खिदमत अंदर रजू रहेगा रजू मीन ध्यान देगा ते तीन बख्शां कीतियां गुरु गोबिंद सिंह ने मैं तां ये सुनाण लगा गुरु के सिखो जेड़ा गुरु दा पलंग चुकदा है गुरु दी सेवा करदा है सतगुरु इन्ना कुछ खत्ती लिख के उहदी झोली च पा दिंदे ने ते तुसी तां गुरु गोबिंद सिंह दे चरण पकड़ के कदी देखो महाराज कहिंदे जो सिख इनकी खिदमत अंदर रजू रह सो निहाल होग उस उपर मेरी खुशी होग तीजा शब्द वरत्या उस उपर मेरा हाथ हो वो निहाल होवेगा उहदे ते मेरी पूरी खुशी होवेगी उहदे सिर ते मैं हाथ रखांगा जो सिख इनकी खिदमत अंदर रजू रह सो निहाल होग उस उपर मेरी खुशी होग उस उपर मेरा हाथ होग ए जो हैं सो मेरे हैं जो इन्हां की सेवा करेगा सो मेरी सेवा करेगा ए सतगुरु ने दिता वापस घर आए वो बच्ची पुछदी जो पोती है धन गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म रात दे दीवे दे चानन च बाल के पढ़िया पढ़ना किसी उन्हें दोनों भरावां नूं रस्ते च याद हो गया भुलिया ही नहीं इस धरती ते मेरे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह पुत्रां दी शहादत तों बाद अपने पवित्र चरण कमलां दी स्पर्शता बख्शी इस जंड नूं इस धरती नूं इस वरे आपां सारे सजदा करना है धन श्री गुरु गोबिंद सिंह कृपा करन सचमुच जो भाई साहब ने शब्द पढ़े ने दाता अवस्था बख्श दियो अखां ने बहुत कुछ देखे ये जो कोई देख दिया ने ये मच दिया पईआं ने एक वरी अपनी झलक दी दात दे दे दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल कोई मुल नहीं एक वरी झलक दे दे ते जेड़े फिर दर्शनां दी तांगली बैठदे ने उहनां ते बख्शिश भी हुंदी है सब दा बहुत बहुत धन्नवाद असी प्रबंधक वीर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सज्जन वीर बैठे ने भाई मीर सिंह खेड़ा भाई परमजीत सिंह लखेवाल सरदार अमरजीत सिंह जी चावला साहब ते इत्थों दे मैनेजर साहब सानू इन्ने साल हो गए जी इहनू इह ना समझो बाद च कोई बटरिंग कर लग पै सच नू सच कहो देखो साडे नाल तुरदे ने भाई परमजीत सिंह की मालक की कृपा होगी मैनू आस है धन गुरु गोबिंद सिंह एक दिन ऐसा लियाओगे कि सिख जगत का बच्चा बच्चा इन्हां दिनां च जिथे जिथे तेरे खून दे तुपके डुले उत्थे नमस्कार करन जरूर आएगा तेरा खून ही तो सानू जींदा रखदा पिया है ये काफिला इत्थों दे मैनेजर साहब इन्ने प्रसन्न हुंदे ने हर साल सानू कदी कोई सच है कदी कोई शिकायत नहीं इन्हां दा असीं रोम रोम करके धन्नवादी हाँ
मैं अगली बेनती करांगा कल आपां पहुंचने उन्हां नीयां च जिथे मेरे सतगुरु दे छोटे लखते जिगर, जिथे शहादत दा जाम पीता, जिथे मां गुजरी, तीन रातां सीने ना ला के रखिया, एक अपने अंदर दा निग जीवन दा दिता, बाणी दा निग दिता, उस जगह ते कल नूं पहुंचांगे फतेहगढ़ साहिब, ते परसों गुरुद्वारा ज्योति सरूप विखे, उत्थे शाम नूं सहज पाठ जिन्हां ने कर लए ने, कई बार कई सज्जन कहिंदे लिखा दिओ, ना लिखाण दी लोड़ नहीं, तुसीं करके आ जाओ, भोग कट्ठी पाया जाएगा सब दा, उत्थे जिन्हां जिन्हां सहज पाठ कीते ने सब दे कीते हुए पाठ दा भोग उत्थे पाया जाएगा, अगले पाठ उत्ते प्रारंभ किए जाएंगे, उदन थोड़ा जिहा वक्त नाल, ते 21 तरीक नूं आओ उस आनंदपुर साहब की धरती आनंदां दी पुरी, जिस किले नूं गुरदेव ने छड़िया, रात नूं उस धरती ते कीर्तन दरबार होणगे 21 तरीक। असल च मैं बेनती कल कीती सी 6 पो दी असली डेट होई बांदी, उस रात नूं गुरदेव किवें निकलदे ने, सब दा तहे दिलों धन्नवाद, जिन्ने तुसी आए हो दूरों नेड़े हो, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सब नूं सही सलामत अपने अपने घरां च पहचान, ते कल दी फिर आपां ये ते इह सिद्धी अंग्रेजी दीआं डेटां नहीं, सिद्धियां डेटां 1, 2, 3, 4 पो चेते रखो, असीं कहिंदे ते आ भी असीं 12वां गुरु ग्रंथ साहिब वाला ही सब कुछ मानने आ, ते मेरा ख्याल है ते कईआं नूं पुछ के वेख लो अज पो दी किन्नी तरीक है, पता ही नहीं होना, सीधी गल इहनूं प्रचलित करो, 1, 2, 3, 4 पो, ये हर साल जिन्नी देर तक दाता दी तुसीं समर्था रखो, बड़ा साडा सहयोग दिता, सब दा धन्नवाद। सरोपे मैं क्या कल भी सी जिक्र किया, मेरा ख्याल है चाहिदा है इन्हां दिनां च शादतां दिनां च हर थां ते सरोपे बंद कर देने, प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर